गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी प्यारी रोज एंड आज हम किचन से स्टार्ट करने वाले हैं। आज दिन है मंडे, सो आज है मंडे एंड मैं शाम से जो ब्लॉगिंग है वो शुरू करने वाली हूँ। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ मैगी, तो उसकी भूख सी लगी थी, यू नो, फिर जब एक्स्ट्रा सी भूख लगती है तो फिर मैंने मंगवाई मैगी और अभी मैं उसको बनाने जा रही हूँ। तो चलिए जल्दी से पहले फटाक से मैगी बना लेते हैं। तो मैगी बनाने से पहले मैं ना एक यहाँ पे थोड़ा सा पानी ले रही हूँ एंड इसको पहले मैं बॉयल करूंगी, क्योंकि अगर मैं बिना बॉयल किए इसको बनाने लगूंगी ना तो फिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये एडजस्ट नहीं होती हैं, ऐसी पड़ी रहती हैं पेट में, मुझे ऐसा फील होता है। तो मैं इसको पानी नहीं पीने लग जाते किसी पर जाइए तो मैं इसको ऐसे ही बनाना पसंद करती हूँ। इसके जो मैं बॉयल करके इसका पानी निकाल देती हूँ तो फिर साथ भी ऐसा होता है, आप ही रोते रोते प्याज काटते हो मेरी तरह, जैसे अभी मैं रोते रोते प्याज काट रही हूँ। एंड उस तरफ मेरी जो मैगी है वो बॉयल हो गई है एंड इस तरफ मैंने अभी उसका रख दी है, तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा तेल लगाऊंगी। कल से माइग्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेडिसिन
कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा चलो अभी बना लेती हूँ। तो अभी मैगी से स्टार्ट हो रहा है, अदरवाइज मॉर्निंग तो आलू पराठे बनाए थे हम लोगों ने, तो उससे स्टार्ट करती। मैं इसमें आलू भी डालती हूँ एंड कई बार मैं इसमें कैप्सिकम वगैरह भी डालती हूँ, हरी मिर्ची, लेकिन आज मेरे पास कैप्सिकम नहीं थे तो मैं नहीं डाल रही। आप चाहो तो डाल सकते हो, आलू कई लोग नहीं डालते, मुझे बहुत पसंद है, मैं आप डालती हूँ। टमाटर भी डाल दूँ, हरी मिर्ची वगैरह, मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर को मैं पील कर रही हूँ, मैं हमेशा जब भी टमाटर यूज करती हूँ ना सब्जी में डालती हूँ तो उसको पील कर लेती हूँ, क्योंकि इसका जो इसका जो कवर होता है ना, क्योंकि इसका जो ये छिलका होता है ना ये गलता नहीं है, ये अंदर जाके ऐसे ही एवरीथिंग पड़ा रहता है, तो आपकी सेहत के लिए वो नुकसानदायक है। तो हमारे घर में सभी टमाटर को ना पील कर देते हैं, तो आप भी पील कीजिए, जो नहीं करते जो करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, तो पील करके भी करना चाहिए खाने के लिए टमाटर। आज मेरा बैड आज मेरे पास ना हरे मटर है, ना मेरे पास कैप्सिकम है, ना मेरे पास धनिया है, ना मेरे पास हरी मिर्ची है, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। उनको बोला है मैंने कि ले आओ ले आओ, लेकिन ये मैं भूल गया, मेरी इन्होंने मैं पहले तो जब मतलब बेबी के होने से पहले तो मैं एक्टिवा उठाती थी और ले आती थी, अभी जो है अभी एक्टिवा वगैरह अभी नहीं चलाती हूँ, क्योंकि यू नो स्टिचेस लगे हुए हैं, तो वैसे तो अभी ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे अभी थोड़ा सा लगता है, मुझे जाने नहीं देते एक्टिवा पे अभी, तो फिर मेरा है जा।
पे अभी बाहर से घूम घूम करके हैं। ये है माइकी एंड ये है स्कूबी। ये अभी बाहर से घूम घूम करके आए हैं और अभी शरारते करने के लिए रेडी हो जाएंगे, स्पेशली स्कूबी। देखिए अभी स्कूबी मौके की फिराक में है कि सभी की निगाह मेरे से इधर उधर हो जाए और फिर मैं माइकी को पीटू। राइट, तो अभी मैगी वगैरह हो गई है, बर्तन भी धुल गए हैं एंड थोड़ा सा साफ भी हो गया है, साफ सफाई हम लोग यू नो ये सोफे पे बैठ जाते हैं इधर ये वो तो एकदम से वो फिर सा जैसे ही हो जाता है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद सेट करना पड़ता है। ये इन्होंने मुझे वैलेंटाइन डे पे दिया था, लास्ट वैलेंटाइन डे पे। देखिए ये मुझे बहुत अच्छा लगता, बहुत प्यारा सा लगता है, अच्छा है ना बहुत प्यारा सा लगता है, क्यूट क्यूट सा। सो इसको मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ यहाँ पे बेड पे, कभी इधर होता है, कभी ऐसे लगा होता है, कभी ये इधर होता है, कभी उधर, लेकिन बहुत बैठते हैं मेरे पास। तो आज ये जो मैंने टॉप डाला हुआ है ना, ये ब्लैक कलर, ब्लैक मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम ब्लैक कलर डालते हैं तो हम बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो ये मेरी सोच है या फिर क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ब्लैक कलर डालने से आपका जो रंग रूप है वो और निखर के, वाहेगुरु जी, वो और निखर के बाहर आता है। बाकी मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते हो, आपको भी अगर ऐसा लगता है तो मुझे ज़रूर बताना, जो आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो ब्लैक टॉप है, हाँ जी बेटा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास ब्लैक में बहुत सारे, ब्लैक वाइट, वैसे तो मेरे पास सारे कलर हैं, लेकिन ये जो कलर है ना ब्लैक वाइट पिंक, ये आपको मेरे पास ज़्यादा देखने को मिलेंगे तो बहुत सी वैरायटी है मेरे पास इनकी। एंड ये यहाँ पे ना, वन सेकेंड, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये ना यहाँ पे एक्चुअली इनका ब्रॉच है, मैं इनके लिए ब्रॉच लेकर आई थी, वो तीन ब्रॉच थे, एक ही ऐसा लगा के फिर उसके नीचे एक और लगा के फिर ऐसे ऐसे लगा के था। तो यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा मुझे ये सिंपल सा लगता है, तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर मैं ब्रॉच वगैरह लगा लेती हूँ, मुझे ऐसा अच्छा लगता है, कुछ अपनी तरफ से कुछ क्रिएट कर लेती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपका सिंपल सा है, सॉबर सा है, तो कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हो तो ऐसा कुछ कर लीजिए आप, अच्छा लगता है। अदरवाइज इसके यहाँ पे ये लगा हुआ है क्लिप ऑलरेडी, सो ये साइड पे है, सो इतना नहीं दिखता। एंड ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला भी, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये साइड पे है एंड ये मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो मुझे अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है।
अमरोज बोल रहा है हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया है स्टाइलिश अमरोज। हाँ आजकल इसके बाल ना, मैं पहले इसके बाल ना इस तरफ कर देती थी तो ना वैसे ही रहने लग गए, फिर मैंने ऑपोजिट साइड की तो फिर वहां से ऐसे उछल उछल के बाहर ऐसे आने लगे, तो फिर मैं अभी ऐसे करने लगी तो ये भी ऐसे ही रहने लग गए। समझ में नहीं आता बेचारे का क्या हो रहा है, ये इतने अच्छे इसके कोमल कोमल से हेयर हैं और ये कभी ऐसे हो जाते कभी ऐसे हो जाते। तो मेरा ना कल ना ही मैंने कल कोई ब्लॉग बनाया, ना ही मैंने परसों बनाया था, आई थिंक परसों ब्लॉग बनाया था। कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा परसों से बड़ा सर में दर्द हो रहा था। मैं गई थी जब बाहर, आपने वो वाला ब्लॉग देख लिया होगा, अभी जो आपने वो वाला ब्लॉग देख लिया होगा जो मैं बाहर गई थी तो काफ़ी सारे काम करने थे तो पता नहीं क्या इतनी धूप लग गई तो बहुत सर में दर्द हो रहा। परसों रात को दर्द शुरू हुआ सर में, कल सारा दिन रहा तो मैंने ना ही कल भी कोई ब्लॉग नहीं बनाया, तो मैं आज भी सुबह था तो अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी तो इसलिए मैं अभी शाम से ये ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ। मेरा प्यारा सा बेबी, अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे आंखों में कुछ पड़ रहा है, बहुत पेन होती है माइग्रेन की तो ना बस मतलब जान निकलने वाली वजह से जब माइग्रेन पेन होती है बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर आपकी फैमिली में भी किसी को है माइग्रेन पेन तो आप क्या करते हो मुझे बताना, मैं एक मेडिसिन लेती हूँ। ये देखिए बाल का क्या हाल है, ये अमरोज ऐसे ऐसे पकड़ लेता है ऐसे 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 फिर खींचता है बेचारे मेरे बाल, क्या हाल है। हाँ आपकी शिकायत ना लगाऊ मैं बेटा, मैं आपकी शिकायत नहीं लगा रही हूँ, आपकी शिकायत क्यों लगाऊंगी, आप शरारत करती नहीं तो मैं क्यों शरारत इसकी शरारत इसकी शिकायतें लगाएंगी। गु 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 निकलो जा, गु गु शानो जा बेबी निकलो जा। ओए नमा काम नवी गर्ल, ओ माय गॉड ये रोज एक नई हरकत करता है, इतनी हरकतें नई नई स्टार्ट करता है, इतनी हरकतें नई नई स्टार्ट करता है। मैंने कानों में कुछ भी नहीं डाला, ये बोल रहे थे अरे ये क्या कानों में कुछ डाल, मैंने कहा मेरा नहीं मन है, हमारी फाइट हो गई इस बात पे। बोल रहे कानों में नहीं अच्छा नहीं लगता ऐसे कानों में ऐसे, तो मेरा मन नहीं था, मैंने कहा मेरा मैंने नहीं लगाना अभी तो ये मेरे को बोलने लग गए, बात नहीं मानती, सुनती नहीं हो, हस्बैंड की बात नहीं सुन रही, ये वो, मैंने कहा हद है यार, एक इतनी सी बात नहीं मानो तो बस ऐसे गुजाल आ जाता है कि हाँ नहीं बात होती। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, सारी बात मानते रहो फिर भी सुनने को मिलता है हाँ बात नहीं मानते, इतना भी हमारा हक नहीं है क्या, हम अपनी मर्जी से कान एक दिन ऐसे नहीं छोड़ सकते क्या। अभी मैं इंस्टा के ऊपर लाइव गई थी गाइज, तो जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया जल्दी से वो इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिए, अबाउट में जाके मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो जल्दी से मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए। एंड एफबी के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एफबी का अकाउंट मैं इस ब्लॉग के नीचे एफबी और इंस्टा का दोनों की आईडी जो है मैं आपको दे दूंगी, वहां पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं एफबी पेज में, तो इस फैमिली को आगे आगे बढ़ाते रहिए। सो बहुत से मुझे मैसेज आ रहे हैं कहती है आप लाइव क्यों नहीं आ रहे, तो मैं उस दिन तो लाइव आई थी खाली गिव अवे का
रिजल्ट अनाउंस करने के लिए, अदरवाइज मैं लाइव काफी देर से मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं नहीं आ पा रही हूँ। मेन रीजन लाइव ना आने का ये है क्योंकि मैं अपने मोबाइल से लाइव नहीं जा पा रही हूँ। तो अगर मोबाइल से लाइव जा पाऊँ तो अच्छा भी लगता है। मेरा क्या होता है कि मोबाइल से ऑप्शन नहीं है, मोबाइल से मैं नहीं जा पा रही, और लैपटॉप से मैं उस दिन गई थी, आपने देखा लिया कि कोई क्लैरिटी नहीं है, इतना अंधेरा सा छाया पड़ा होता है वहां पे, आपकी खुद की शक्ल ही नहीं आपको पहचान में आती कि ये आप ही हो क्या, इतना अजीब सा नजर आता है। तो फिर मुझे मजा नहीं आता है ना अपनी ही शक्ल को अजनबियों की तरह देखो तो इसलिए मैं नहीं, आप जब तक मैं लाइव नहीं आऊंगी, जब तक मुझे मैं मोबाइल से नहीं आ पा रही, वो आ पाऊंगी जब मेरे को कम्युनिटी मिल जाएगी, और वो कम्युनिटी तब मिलेगी जब मेरा 1000 सब्सक्राइबर जो है वो हो जाएगा। और इसलिए अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी से लाइव आ जाऊँ, तो मेरी जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो है वो टारगेट जो है वो कंप्लीट करना होगा। तो जल्दी से मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं लाइव आ सकूं। इसका ध्यान टीवी पे, टीवी में देख रहे हैं, टीवी में देख रहा है, टीवी में ये देख रहा है, गुड़ूशा टिडड़ूशा बचड़ाशा शानाशा मुझे सभी बोलते हैं ना कि तुमने इसको अपने जैसा ही सारा दिन इसके साथ बातें करती रहती हो, और इसको अपने जैसा ही बना लिया बातें करने वाला। तो मैंने कहा अच्छी बात है ना, लड़के तो वैसे भी टॉपिक भी अच्छी लगती है। ऑफिस में गई तो सभी बोलते हैं इसकी नेचर तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, हसमुख सी ऐसे हंसता रहता है, ये तुम्हारी तरह ही। मैं तो ऑफ कोर्स मेरा बेबी मेरी तरह ही होगा ना, खुश मिजाज बच्चा होगा, ये मेरी मम्मा का खुश मिजाज बच्चा होगा, खुश मिजाज बच्चा होगा तुम्हारे जैसे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल। आप लोगों को मैंने आपसे एक बात करनी है, ना तो आप मेरे ब्लॉग है जो पूरे नहीं देखते हो, मैंने आपको लाइव में बोला था गाइस आप कमेंट करो जरूर करो, लेकिन थोड़ा सा ब्लॉग ब्लॉग देख के करो ताकि बात होगी, तो थोड़ा सा आप बातें करो, ठीक है आप कमेंट करो, लेकिन तो थोड़ी सी आप तो गाइस जब भी आप वीडियो या ब्लॉग कमेंट करते हो तो पूरा देखिए प्लीज, आप पूरा नहीं देखते हो, एंड लाइक कीजिएगा, आप लाइक भी नहीं करते हो, हाँ आप लाइक करते हो ना, आप वीडियो या ब्लॉग देखते हो, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में, आपको गाइस लव यू ऑल, देखिए छोटा सा ब्लॉग है, तो मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, फिर दबा लाइक करना, आई लव यू ऑल, बाय बाय। अभी आपको पता चल गया मम्मा ने वीडियो या ब्लॉग बंद कर दिया है, अभी शांति मिल गई आपको, अभी नहीं आपकी आवाज आ रही है, आपको पता चल गया मम्मा ने वीडियो ब्लॉग बंद कर दिया।
इतना चालाक है हमको पता चले क्या भाई कितना नॉटी है, बहुत नॉटी है। जब मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ उसी वक्त अपना आलाप शुरू कर देता है, जब मैं आप लोगों के साथ बात करना बंद कर देती हूँ फिर शांत हो जाता है। और सब बच्चे बोझा मिलते अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय। हाँ हाँ बंद कर दिया, हाँ 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 हाँ।